यात्रा में बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बिल्कुल ही। सो गाइस, इसी के साथ आप अपना एक आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, या इनकेस कोई भी आपका ग्रुप मेंबर है अगर वो मिसिंग है तो वो इमीडिएटली यात्रा करी थी, तो पूरी यात्रा के दौरान ना आपको फूड फैसिलिटी मिलने वाली है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो गाइज, आज हम इस वाले ब्लॉग के अंदर बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा में आपको किन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, उन चीजों के बिना अगर आप यात्रा करोगे तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज, जो डूज एंड डोंट्स हैं जो अमरनाथ यात्रा की वेबसाइट पे, जो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड वाली वेबसाइट पे जो मेंशन है, देखिए जनरली हम लोग उसको रीड आउट नहीं करते हैं, बट मैंने वो सारा कुछ समराइज करके आप लोगों के लिए इस वाले ब्लॉग के अंदर रखा है। तो एक बारी वो डूज एंड डोंट्स आप समझ जाएंगे तो शायद आपकी यात्रा बहुत ही स्मूथ होने वाली है। और क्योंकि अब ये यात्रा शुरू होने में जस्ट 20 डेज रह गए हैं, तो भाई अब इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा यात्रा के बारे में नॉलेज गैदर कर लें, ताकि यात्रा के टाइम हमारे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अमरनाथ यात्रा के डूज एंड डोंट्स। सो गाइज, अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले हम डूज की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे डोंट्स की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर भी साइड में देख सकते हैं, सबसे पहली ही लाइन में लिखा है, क्योंकि यात्रा में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो आप प्रॉपर वुलन क्लोथ्स अपने साथ ज़रूर कैरी करें यात्रा में। इनफैक्ट विंडशील्ड वगैरह, विंडशीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कैरी करें तो आपको यात्रा में इनकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ सकती है और पड़ने भी वाली है। इसी के साथ आप सेकंड पॉइंट को देखते हैं। तो जी, जनरल चीज़ लाइक अम्ब्रेला, रेनकोट, विंडशीटर और वाटरप्रूफ शूज़, ये सारी चीज़ें यात्रा में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल ही वेदर अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी भी वहाँ बारिश आ जाती है, कभी भी वहाँ पर फॉग हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी के बाद थर्ड पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, आप अपने साथ जो वाटर बैग कैरी करेंगे वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। और साथ ही एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप अपने साथ एक पॉली वगैरह भी कैरी करें, ताकि बैग तो वाटर प्रूफ है ही आपका, बट फिर भी वाटर प्रूफ बैग के अंदर भी आप पॉली वगैरह में डाल के आप अपना फ़ोन या कुछ एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या पावर बैंक या कुछ भी है तो उसको आप रख सकते हैं, जो कि सेफ रहेगा। या फिर कुछ आपके ईटेबल्स हैं, खाने पीने के आइटम्स हैं जो आपने अपने लिए रखे हुए हैं, वो भी के ख़राब ना हो जाएं, वेट ना हो जाएं, तो वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए आप वाटरप्रूफ बैग प्लस पॉली, ये दोनों चीज़ें कैरी करिए। इसी के साथ गाइज, यात्री इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप सोचेंगे कि इसकी क्या ही ज़रूरत है, भाई देखो यात्रा इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, कुछ भी हो सकता है, इतने ज़्यादा एक्सपोजर में आप होते हो, तो भाई अपने बैग वगैरह के अंदर अपना नेम, अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करके ज़रूर रखिए एक स्लिप में, ताकि इन एनी केस आपके बैग में वो चीज़ मिले और कॉन्टैक्ट हो सके। टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली गाइज। आप सोचेंगे कि क्या ही हो रहा है, ग्रुप में जा रहे हैं या सोलो भी जा रहे हैं तो क्या ही है यार, मतलब है ना, मैंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, भाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो गाइज, इसी के साथ आप अपना एक आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, यात्रा परमिट, ये ज़रूर कैरी करें अपने साथ यात्रा में, क्योंकि कहीं भी आपकी चेकिंग हो सकती है, कहीं भी आपसे मांगा जा सकता है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेनमेंट जोन टाइप है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग वगैरह होती है, नॉट विद कन्फ्यूजन ऑफ रिस्क, बट फिर भी यार काफ़ी, मतलब आपको पता है यार एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है वहाँ पर, और
बहुत स्ट्रिक्टनेस की वजह से ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि यू आर अ यात्री, तो इसलिए अपने साथ ये चीज़ें ज़रूर कैरी करें। इसी के साथ गाइज, आप हमेशा जब मतलब यात्रा पे निकलें तो पहली बात तो जो प्रशासन है, प्रशासन भी कॉन्वॉय के साथ ही मतलब आगे आपको भेजेगा, और आप भी कॉन्वॉय में ही साथ में चलें, ग्रुप में ही आगे चलें बढ़ें, और साथ में आप जो आपका लगेज कैरी कर रहे हैं पौनी पिट्ठू पालकी वाले, उनके साथ आगे यात्रा में बढ़ें। और इन केस आप आगे पीछे हो रहे हैं तो बस इतना ही डिस्टेंस मेंटेन रखिए कि आप यू नो अंडर साइट हो, मतलब आप विजिबल हो, नज़र आ रहे हो, ऐसा हो कि अगर आप थोड़ा पीछे भी हैं तो आप दिख रहे हैं कि आप पीछे हैं, और अगर ग्रुप आपका पीछे है तो ग्रुप आपको देख पा रहा है कि आप आगे हैं। तो इतना ही डिस्टेंस रखिए, इससे ज़्यादा गैप मत होने दीजिए। थोड़ा सा यू नो लो फील कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, जो पीछे वाला ग्रुप है उसके साथ जुड़ जाइए, बट जब तक वो ग्रुप नहीं आता तब तक थोड़ा आप उनको बोलेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, रुकेंगे, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। और जब आप बेस कैंप लीव कर रहे हैं तो जो अदर मेंबर्स हैं, जो आपका ग्रुप है, आप उन्हीं के साथ उसको बेस कैंप को लीव करिए, आप सेपरेटली मत लीव करिए। इनकेस कोई भी आपका ग्रुप मेंबर है अगर वो मिसिंग है तो वो इमीडिएटली जो पुलिस बेस कैंप है वहाँ पर आप इन्फॉर्म करके उनकी अनाउंसमेंट करवा सकते हैं, और यू नो इट विल हेल्प कि आप वापस से उनको मिल पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा गैप हो जाएगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो यू नेवर नो कि वो कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, इन केस वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। इसी के साथ अगर आप काफ़ी फिट और फाइन महसूस कर रहे हैं तो आप अपने सहयोगी जो आपके साथ के यात्री हैं आप उनकी भी हेल्प करते रहिए, मोटिवेशन दीजिए, जयकारे लगाइए और आगे बढ़ते रहिए यात्रा में, और साथ में आप उनकी छोटी मोटी हेल्प और भी कर सकते हैं कि कुछ एक चीज़ें जो आपके पास हैं आप वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखें तो यात्रा में उनको दिक्कत ना आए। रूल्स को भाई बिल्कुल भी लाइटली ना लें, जो ये रूल्स बनाए गए हैं ये हम ही लोगों के लिए बनाए गए हैं, इनको आप एज ए बर्डन ना लें। ये रूल्स यात्रा में हमारी हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ही बनाए गए हैं, तो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और इसी के साथ गाइस, यात्रा में अगर आप कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं तो SASB कैंप डायरेक्टर्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन दी नियरेस्ट बेस कैंप, SASB डायरेक्टर्स, ठीक है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द नियरेस्ट बेस कैंप। और इसी के साथ गाइज, आप एमरजेंसी की सिचुएशन में भी आप कैंप डायरेक्टर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और माउंटेन रेस्क्यू टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करके आप जो भी नीड है, जो भी मेडिकल हेल्प है वो ले सकते हैं। ऑल दो यात्रा के दौरान जगह जगह पर मेडिकल कैंप हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट इन केस ऑफ एमरजेंसीज दिस वॉज सेड। अब बात कर लेते हैं, देखो जी, जम्मू के अंदर एंटर करते ही आपको पता है J&K में हमारा प्रीपेड सिम वर्क करना बंद कर देता है J&K एंटर करने के बाद, तो आप वहाँ से भी यात्री सिम वगैरह ले सकते हैं, वही वहाँ पर नेटवर्क सारे ही अपने लोकल नेटवर्क्स काम करते हैं, जियो का, एयरटेल का, BSNL का, तो ये सारे नेटवर्क का सिम आप वहाँ पर ले सकते हैं जिनका कि नेटवर्क काफ़ी अच्छा वहाँ पर काम करता है। और एंड में यही कहना चाहेंगे कि भाई देखो, जो भी नेचर है, नेचर लॉर्ड शिवा के अंदर ही सारा नेचर समाया हुआ है, तो नेचर को बिल्कुल भी ख़राब ना करें, पॉल्यूट ना करें, गंदा ना करें, क्योंकि अगर नेचर साफ रहेगा तो नेचर भी आपकी हेल्प करेगा, नेचर भी आपको यू नो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप इजीली अपनी यात्रा को स्मूथली कर पाएंगे। अगर रास्ते में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, स्लिपरी होगा, तो आप सोचिए क्या हालत होगी जो बाकी के यात्री हैं उनकी, जो आने वाले हैं आपके बाद उनकी, तो नेचर को क्लीन और ग्रीन ज़रूर रखें। अब बात कर लेते हैं क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विमेन यात्रीज की, तो अगर विमेन यात्रीज ये यात्रा कर रही हैं तो भाई देखो, साड़ी वगैरह आप अगर ना पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इससे अच्छा बेटर कंफर्टेबल जो आपके क्लोथ्स हैं लाइक सलवार कमीज, पैंट शर्ट एंड स्वेट शर्ट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप पहनेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे और यात्रा स्मूथली कर पाएंगे। अगर आप ही कंफर्टेबल नहीं है तो कैसे यात्रा होगी। और इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, 6 वीक से ऊपर की प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल भी यात्रा में आप अलाउड ही नहीं है, अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए। और इसी के साथ बिलो 30 ईयर्स एंड अबव 70 ईयर्स भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यात्री यात्रा के अंदर, कंसीडरिंग यात्रा के अंदर जो यू नो डिफ़िकल्टी है वो सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए 13 साल से कम और 70 साल से ज़्यादा आयु के लोगों का यात्रा में प्रवेश निषेध है।
और इसी के साथ गाइज बहुत सारे ना प्लेसेस आपको यात्रा के दौरान ऐसे मिलेंगे जो कि यू नो मार्क्ड है विद सर्टेन इमरजेंसी कंडीशंस, तो उन पॉइंट्स पर आप रुके नहीं, बिल्कुल भी वहां से आगे बढ़ें, और जहां सेफ सी जगह हो, जहां कैंप वगैरह हो, वहीं पर ही रुकना प्रेफर करें। इसी के साथ गाइज यात्रा के अंदर और भी जो वार्निंग्स वगैरह हैं, वार्निंग नोटिसेस हैं, उनको भी बिल्कुल इग्नोर ना करें, जो वार्निंग्स हैं उनको पढ़ते चलें और जो कुछ उसमें लिखा है उसका पालन करते चलें ताकि यात्रा में डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी ना हो। इन केस गाइस अगर आपके चलते हुए यात्रा में बारिश वगैरह आ जाती है और आपके शूज़ वगैरह गीले होते हैं तो आपको पहले ही वाटरप्रूफ शूज़ तो कैरी करने ही हैं, और इन केस अगर आपके शूज़ गीले हो जाते हैं, सॉक्स में पानी चला जाता है, तो आप बिल्कुल भी बेयर फुट वहाँ पर ना चलें क्योंकि बहुत ही स्लिपरी रास्ता आपको जगह जगह पर मिलने वाला है यात्रा के अंदर। और इसी के साथ जो टेम्परेचर वहाँ पर वो एब्रप्टली बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो चेंजेस जो है ना वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल प्रॉपर शू और इनफैक्ट वुलन सॉक्स के साथ ही यात्रा में आगे बढ़ें। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल प्रॉपर अपने ट्रैकिंग शूज़ वगैरह कैरी करें, आप नॉर्मली अपने स्पोर्ट शूज़ वगैरह पहनकर ना आए, क्योंकि स्पोर्ट शूज़ वगैरह देखो यार आपको ही डिफ़िकल्टी होगी, अब कहीं स्लिपरी एरिया कुछ है तो यार स्पोर्ट शूज़ एक अलग चीज़ होती है, ट्रैक शूज़ एक अलग होता है, तो ट्रैक शूज़ को प्रेफर करूँगा मैं तो यहाँ पर। आप भी ट्रैक शूज़ का प्रेफरेंस लेके आप ट्रैक शूज़ प्रॉपर अच्छे शूज़ पहन कर आएँ। अब इसी के साथ गाइज एक छोटी सी चीज़ है, देखो मैंने आपको बोला था कि आप बैग के अंदर पॉली वगैरह कैरी कर सकते हैं ताकि आपका मटेरियल वेट ना हो। अब वो जो पॉली है ना यार, देखो पॉली के भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं, बट J&K के अंदर पॉलीथीन बिल्कुल बैन है, तो J&K में आप पॉलीथीन कैरी कर नहीं पाएंगे, तो पॉलीथीन जो अंदर अपने को बैग में कैरी करना है ना, वो कुछ ऐसा करना है कि लाइक जो माइक्रोफाइबर प्लास्टिक काइंड ऑफ पॉली आती है ना, जो 50 माइक्रोन से भी ऊपर होती है, तो उस टाइप का पॉली, जो कि इनकेस आपको कुछ भी हो अगर नहीं समझ आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या DM कर सकते हैं, मैं आपको फोटोग्राफ वगैरह भी भेज दूंगा या फिर नेट पे सर्च कर सकते हैं यार, तो वो वाला पॉली आप कैरी करें जिससे कि आपका जो भी आपका सामान है, जो भी आपका यूज़फुल मटेरियल, वो बच जाए गीला होने से। इनकेस ये भी नहीं समझ आ रहा है तो आप क्लियरली आप एक वाटरप्रूफ स्मॉल बैग के अंदर ही कैरी करें और उसके अंदर सामान डाल दें, तो वो भी एक आई थिंक सेफ ऑप्शन है। और जब आप यात्रा करते करते फाइनली अमरनाथ जी की यात्रा में अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए होली केव पर पहुंच जाते हैं, तो होली केव पर पहुंचकर आप वहां पर सिक्के वगैरह ना फेंकें, है ना, शिवलिंग के पास आप सिक्के वगैरह ना फेंकें, चुन्नी सिक्के ये सब चीज़ें ना फेंकें बिल्कुल भी। ये चीज़ें करने से देखो हमारे शिवलिंग को हार्म होता है, और ये चीज़ें सब करेंगे तो वहाँ पर कितना ही पॉल्यूशन हो जाएगा और उनको बार बार वापस से क्लीन करना पड़ेगा, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। और इसी के साथ गाइस आप अगर स्टे करने की सोच रहे हैं तो आप होली केव के पास स्टे नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का इशू होता है और साथ ही साथ वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचें, थोड़ा नीचे पंचतरणी वगैरह के आसपास स्टे करें, बिल्कुल होली केव में स्टे ना करें, थोड़ा सा उससे बचें। और इसी के साथ गाइस हमारे डूज एंड डोंट्स पूरे पूरे कवर होते हैं, और अभी फ़िलहाल आपको एक और छोटा सा अपडेट दे देता हूँ कि हेलीकॉप्टर बुकिंग वगैरह की अभी भी ओपन नहीं हुई है डेट्स, मैं रेगुलरली चेक कर रहा हूँ साइट को, बट जैसे ही ओपन होती है मैं ज़रूर आपको इंटीमेट करूँगा, ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, तो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहिए। फ़िलहाल अब ज़्यादा नहीं है, 20 दिन बाकी हैं यात्रा शुरू होने में, तो हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए साथ साथ कमेंट सेक्शन फटाफट लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो जी मिलते हैं दोबारा कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में, टिल देन स्माइल कीपिंग यू लाइफ 05 आपके भाई की इंस्टा आईडी, जल्दी जाके फॉलो कर लो, लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं। सो मिलते हैं गाइस दोबारा, बाय 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 बाय। और हाँ यार वो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई जरूर जरूर भाई, प्लीज प्लीज प्लीज।